तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियंश चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रखा है, 10 बज रखे हैं और मम्मी अभी गई हुई है सीट लेने के लिए। हमें नहीं दिखाने का, तो हम अभी लस्सी लेने के लिए। तो मैंने अभी आटा लगाया था। हमारी मम्मी हमें छोड़ के चली गई है और इसलिए हमें अपने खाने का प्रबंध खुद ही करना पड़ेगा। और आज मास्टर शेफ बन रखे हैं पापा और नितेश बेटा। नहीं, आटा मैंने लगाया है। लहसुन और हरी मिर्च कुटी है बस। बस अभी मैं ऊपर आई थी रील्स बनाने के लिए और हमें साथ ही मिल गए अपने बंदर। मम्मी को कह रही मम्मी नीचे चलो, और मम्मी को कतई डर नहीं लग रहा है। कहाँ गई ये जी? और यहाँ पे भी उतार रही थी मम्मी किसी का बंदर और कुर्की घाल रहा है मेरे किन्ना। मम्मी आ जाए, यहाँ पर तो बंदर है। बंदर के क्या है? आ जा बैठ गए ना, मैंने डर लग गया। देख लिया डर फाड़ लिया तुम ना। मैं देख लिया। मंदिर महाराज कुछ नहीं कहता ना, हम नहीं नहीं कहते तो ये हमने नहीं। बाजरा खा ले भाई। हाँ बाजरा के खाओगा, ये तो उड़परली छत पे जा रहा हम, तो सोगा थोड़ी आना। सो जा जा या चल हम अपना काम कर लेंगे। तो तेरे ना वो बधाई देना आया तेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। बधाई इन बंदा तो नहीं चाहिए। ये तो गुड लक करना है इन्हें। कह के खवाओगी? बताई नहीं ना कुछ खवा। बाजरा रे भाई खा ले। बाजरा क्यों खाओगा? यो और की खाओगा? बाजरा नहीं खाएगा। उड़ बैठ गया चमके ने चला चम जाता होता है। बैठा तो सही है बेचारा, चम गया उड़ बैठ के। चल आ जा तेरी रील बनवा दूं। ठीक है चलो। देखो वैसे बंदर भी मेरे को पूरा ऐसे आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ ही खड़ा है, मतलब बैठा है। चाहे मेरा मैं कह रही हूँ, जा भाई क्यों खुद परेशान हो रहा है? खुद क्यों मेरे को परेशान कर रहा है? चाहे मेरा जा ना। बाकी सारे बंदर चले गए के यहाँ पे। चलो खैर से भी रहने देते हैं, रील सुना लो। देखो देखो खुद दे गया उल्टा। देखो इसके बाद कौन से उसकी माँ तो वहां पर चढ़ गई लेकिन वो नहीं चढ़ पाया। दूसरे को बुला रही है नून तो जाओगा। देखो आज तो ये बंदर हमें परेशान कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे बैठा था वो बंदर। ए परे तो वो आया एक और चल लिया अंदर का तो पूरा ये कर लेते। तो चलो चलते हैं। गाइस तो वो चढ़ नहीं पाया था ना। क्यों आ गया फिर तू भाई? थैंक यू। आज तो उदमस उतार रखे, मतलब परेशान कर रखा है उन्होंने तो हमें। एक दो तीन एक चौथी गई। हाँ छः सात है, छः सात है। देखो अरे जाओ ने
ये आके भागा 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 भाग 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 बाजरा खा रहा है, मैं कह रही हूँ ना खाते हैं बाजरे को भी, भूखे मरते बेचारे। देखो गिरा भी तो गए थे, डरा हो भी हमते हैं ये तो मारते बत्ती डरा बेटा खा लिया क्यों कर बैठ गया जूम कर दे रहे। हाँ देख फोकस कीजिए उस पे, चल नीचे बनाऊंगी एक बार। चलो मेरे को तो बॉर्डर लग रहा है, मैं नहीं बनाऊंगी वो। देख देखो पलटन हो जाइए, पलटन दो तीन चार, देखो अपनी बालक ने लिए दे वो बैठे आप शान करते हैं ना तुम्हें। ये भाई ये तो घने हैं प्रिया, फौज है इनकी फौज वानर सेना। देखो क्यों कर चपट रहा, देख पड़ेगा नहीं कितनी ऊंची छलांग मार लेगी। मुझे मारी ग्रिला ना तोड़ेंगे ये, उड़े तो भी मारा उड़े तो ये मारा ये जा कीते उड़े तो तरता हूँ मारा है चल ला। मम्मी 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 देखो 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 ओए भाई अंजलि गणे हैं बेटी भीतर जाले कति गणे सारे हैं बहुत एंटरटेनमेंट हो गया। चलो चलते, मेरे को तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब बैठे थे वहीं पे साइड में, लेकिन मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा इन सब चीजों से, मुझे डर लगता है। मैं थक गई बैठ गई, ये थक गई मैं। ये देखो आज मैंने ना ये स्टाइल पहली बार ट्राई किया है, आप कमेंट करके बताना कैसा लगा। आज तो इन बंदरों ने हमें परेशान कर दिया, क्या कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ, आज इन बंदरों ने हमारा नुकसान करा दिया, नुकसान नहीं मतलब बाजरा रखा हुआ था हमने ऊपर, हमारे पापा रोज है ना ऊपर बाजरा डालते थे उनके लिए, पंछी और जो भी खा ले मतलब उनके लिए। तो फिर आज नितेश ने गेट ऊपर का खुला छोड़ दिया, मम्मी ने कहा जा ग्रिल पोछ के मम्मी कपड़े सुखाएंगी, लेकिन फिर मम्मी ने यही सुखा दिए और नितेश गेट करके बंद करके आना भूल गया और बंदर आए और वो बाजरा सारा गिरा दिया और वो बाजरा फिर सारे जिन्ने में से फैल गया। और नितेश को ये पनिशमेंट मिली कि अब तेरी वजह से ये काम हुआ है तो तुझे ये सब चीज़ें समेटनी पड़ेगी, तो ये डिसाइड हुआ हमारे। फिर मैंने कहा मैं हेल्प करूँ, फिर उसने कहा नहीं मुझे, तो फिर उसने खुद सारा काम ठीक है। तो फिर रील्स बना लेते हैं, मिलते आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए गाइस के टाइम हो चुका है, टाइम क्या हो रहा है नितेश बेटा, 6:06 बजे हैं। और ये देखिए मैंने चावल आज जल्दी बना दिए और खा रही हूँ चावल। आज जल्दी क्यों बनाए भाई, भूख लग रही थी मेरे को, तो हमें बनाने थे क्योंकि शाम को चावल ही, क्योंकि इसके पापा गए हाँ जी शादी में और वो तो चले गए। तो चलिए बैक कमरे से बताऊं ते। तो गाइस इसके पापा जा रहे हैं आज शादी में, तो वो तो आज खाना खा के आएंगे, तो हमने सोचा कि हम तो अपने लिए थोड़े से नमकीन चावल बना लेते हैं और तो खा लेते हैं यही, तो हमने जल्दी बना लिए क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। तो हमने नहीं, मैंने हाँ। प्रियांशी ना आज मेरा सिर में बहुत तेज दर्द था, बहुत 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 ज्यादा। कितना दर्द था प्रियांशी, बहुत ज्यादा दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं हुआ इतना दर्द, और सुबह से दर्द था। और गाइस मैंने देखो कितना बर्दाश्त किया, मैंने शाम के 4 बजे जाके दवाई ली है, दवाई ले लेनी चाहिए नहीं वैसे, जल्दी दवाई नहीं लेनी चाहिए ना बेटा। मैं सोची लेटने के बाद आराम हो जाएगा, लेकिन दर्द इतना था कि ना नींद आ रही थी और ना ही उस एक साइड लेट रही थी तो आराम हो रहा था, दूसरी साइड करते तो कान में भी दर्द होता, इतना ज्यादा पेन था, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर भी मैंने टेबलेट का तेज आधा पार्ट लिया, मैं ज्यादा दवाई लेती नहीं बिल्कुल भी, जब बिल्कुल ही ना बाजती जब लूं तो मैंने हाँ थोड़ा आराम है। और अभी ऐसे दर्द हो रहा है जैसे मतलब कुछ दर्द रह के नहीं जाता, जब उसका थोड़ा सर सर है नू है। मैं बताती हूं क्या हुआ, मम्मी को सिर में दर्द हुआ क्योंकि मम्मी सुबह आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि मौसी की वीडियो कॉल आई। नहीं उस तो ना होया, बस होना ही होया, उस तो क्यों होता हूँ तो कई बार जल्दी 6 बजे तो उठा ही ना, एकदम बाहर चले गए। हाँ इस वजह तो उसका हो गया, ओके एक
एकदम से मैं उठकर बाहर चली गई, बाहर तो फिर कति बाहर थोड़ा गई थी, बस होना ही होया, क्या तो होया बताना, और तो इसीलिए फिर दर्द हो गया। वो तो मौसी तब भी वीडियो कॉल कर रही थी, और वो तो जा रही है पहाड़ा में घूमने, वो नेपाल गई हुई है, नेपाल तेरी मौसी नेपाल गई हुई है घूमने के लिए, वहीं से वीडियो कॉल कर रही थी, मेरे को भी दिखा रही थी वहाँ के नज़ारे, तो चलो अच्छी बात है, घूम आऊँगे नेपाल, काठमांडू वगैरह घूम कर आऊँगे, मौसी भी पूरी तो अच्छी बात है, घूमना चाहिए। 6 बज गए गाइस, मैं थोड़े से बर्तन कर लूँ, अरे या प्रियांशी पता नहीं क्या करेगी, कल लिए जाएंगे स्कूल, और कल इन इसका 12th का और उसका 10th का होगा पहला डे, तो आके बताएंगे आपसे कैसा रहा क्या नहीं, तो जब डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, जब थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आप सबसे। तो गाइस देखिए, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठ गई, वाईफाई नहीं चल रहा, क्या कर सकते हैं, वीडियो अपलोड करनी थी, 7:30 का टाइम हो रखा है, वीडियो अपलोड नहीं होगी, कर देंगे थोड़ी देर में, क्या करें अब, वाईफाई ना ही चल रहा था, करें कि बताओ क्या कर सकते हैं हम। और मुझे करनी है प्रेस कपड़े, क्या प्रेस ना कर रहा, पर करनी तो है, करनी तो है, कल हम स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल जाओगे थारा के लाल सामन है, प्रेस तो मन नहीं करनी है, और क्या, कल मम्मी ने तेज को स्कूल जाने तो भेजोगे ना, और बेटा घूम आओ एक दिन, तो कल देख आओ कैसे क्या होता है, कल आज 6 तारीख है, कल 7, परसों 8 की तो वह है शिवरात्रि, उस दिन तो छुट्टी है, छुट्टी है, ज्योत लगाने जाऊंगे मंदिर में, देख लेंगे भाई ज्योत लगा रहे हैं, और क्या नाम है, आज कैसी रही थी लाइव स्ट्रीम, अच्छी थी लाइव स्ट्रीम, तो अब तो 3 दिन से अच्छी जा, 2-1 दिन से अच्छी जा रही है मेरी लाइव स्ट्रीम, चलो चलो इतना कर ले, इतने 1-2 दिन इतना वो ना जाती फिर तो ना कर पाऊंगे, क्योंकि फिर स्कूल का भी काम हो जाए भाई, एडिटिंग भी करनी है, ब्लॉग भी निकालने हैं, इतना सारा काम कैसे करेगी, इंस्टा पे भी एक्टिव रहना है, उस पर भी रहना है, रील्स भी बनानी है, हाँ रील्स भी बनानी है, कोशिश तो कर रहे हैं, अरे भाई मेहनत बहुत लगती है, तो जिस जो सपोर्ट नहीं कर रहे मतलब, तो प्लीज सपोर्ट करो, मतलब सपोर्ट इन द सेंस सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, और भी ब्लॉग्स को पूरा देखा करो, तो ये है कि भाई कोशिश तो कर रहे हैं अच्छे से अच्छे लाने की, और अच्छे लाएंगे भी भाई, अभी तक कुछ घर में कुछ दिक्कत भी हो जाती है कि भाई कहीं नहीं जा सकते, कुछ कई चीजें मैनेज करनी पड़ती है, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, भाई हो जाती हैं, हाँ माँ भी है, बाबू मतलब भाई हमारे ससुर को हम बाबू बोलते हैं, मम्मी तो पहले पापा कहती थी, लेकिन फिर सभी यहाँ पे बाबू बाबू एक अरे इस मारे भाई सब देखना पड़ता है भाई, फैमिली सिचुएशंस भी ऐसा नहीं होता कि भाई बड़ी फैमिली में ऐसे ही चल पड़ो, थोड़ा हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो इसीलिए एक दिन तेरे नाना के घर भी जाना है, हो सकता है कल वल मैं जाऊँ, कल आप जाओगे तो हम क्या करेंगे, आप स्कूल जाओगे मैं वहाँ चली जाऊँगी, जब तक आप स्कूल से आओगे मैं भी आ जाऊँगी, ठीक है ठीक है ना, हाँ थोड़ा कुछ काम हुआ अभी, अरे मेरी मम्मी एक और काम अनेक ऐसे ही चलता रहता है, अच्छी बात है किसी के काम आ सके, क्या करना है, सही बात है, ये भी बात है, तो गाइज आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में कमेंट भी करना, और आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलता है, कर दिया करो भी पता लग जाए कौन कौन व्लॉग देख रहा है कौन कौन, तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।